हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार और बात करते हैं शाहरुख खान की। और एवरी टाइम ही इज़ डिस्कस्ड, ही क्रिएट्स रिपल्स एंड वेव्स, चाहे वो खुद बात कर रहे हो या उनके बिहाफ पे उनका रेफरेंस देके कोई और बात कर रहा हो। तो विवेक वासवानी, जो कि बहुत ही डियर फ्रेंड ऑफ शाहरुख खान है और अर्ली स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक दूसरे के घर के अंदर भी रहे थे। अपेरेंटली शाहरुख खान स्टेड इन हिज हाउस, ऐसा कुछ स्टोरी है। और दोनों ने इकट्ठे ही स्ट्रगल करी थी, एंड ही बिकेम अ प्रोड्यूसर, ही बिकेम एन एक्टर, और एक दूसरे के साथ मूवी भी प्रोड्यूस करी है और मूवी करी भी है। तो एक पुराना टॉपिक जो आई थिंक धूल मिट्टी में कहीं ना कहीं चला गया 2011-13 के अंदर, बहुत ज़्यादा बज के अंदर था कि शाहरुख खान हैज़ डेटेड प्रियंका चोपड़ा, और प्रियंका चोपड़ा वॉज देन बुलीड एंड साइडलाइंड इन द इंडस्ट्री कर्टसी करण जौहर, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसके बहुत ही डियर फ्रेंड शाहरुख खान का घर टूटे। और इतना बुली हो गई कि फिर वो चले गए। फिर उसके बाद कोई भी ऐसी मूवी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने नहीं करी, जब वो लोग आपस में इतने ज़्यादा क्लोज थे, गुरु शिष्य। तो उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यूज़ में बोला है, बहुत ही फ्रेंडशिप की बातें करी हैं, ये सब चीज़ें तो चलती रहीं। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मैं आपको फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने बोला था कि दिस इज़ द जैकेट विच इज़ ऑफ माई एक्स बॉयफ्रेंड, राइट, एंड शी वॉज वेयरिंग दैट। और वो कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही थी अबाउट हर रिलेशनशिप, और ये जो जैकेट थी वो शाहरुख खान की थी, ऐसा र्यूमर था। अब वो कितना ट्रू था कितना रॉन्ग था, वो इसलिए भी र्यूमर बन गया इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यूजली आपको पता है एक्टर्स को एक दूसरे के मैचिंग कपड़े तो पहनते नहीं हैं, तो अपने अपने ही कपड़े पहनते हैं। तो शाहरुख खान वॉज वेयरिंग इट, और ऐसा तो होगा नहीं सेम तरीके की जो जैकेट है वो प्रियंका चोपड़ा के किसी बॉयफ्रेंड ने पहनी और फिर दे दिया। तो वो र्यूमर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लॉजिकल सेंस भी बन रहा है, कि एक टाइम आया जब उनको थोड़ा सा बॉलीवुड में काम नहीं मिला, फिर वो बाहर चली गई, बाहर चलने के बाद बिल्कुल कट ऑफ ही हो गई। फिर राकेश ओम प्रकाश जो हैं, उन्होंने एक मूवी भी ऑफर करी थी, वो भी नहीं मिली। फिर मैं पुराने आर्टिकल भी खोलने बैठ गया आज, क्योंकि ये सब न्यूज़ चली और विवेक वासवानी साहब ने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ अ वन मैन वन वुमन मैन, एंड ही वुड नेवर थिंक ऑफ अनदर वुमन, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिसर्च करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वैसे तो सच्चाई का पता आपको भी नहीं पता चल सकता, मुझे भी नहीं पता चल सकता, बट बहुत सारे आर्टिकल्स आए अबाउट दिस रिलेशनशिप टू द एक्सटेंट दैट देव इवन गॉट मैरिड ब्रीफली, ऐसा तक हो गया, ऐसा भी र्यूमर्स आए। बट ये जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा IB Times का, जिसके अंदर पूरी डिटेल जैसे कहते हैं ना सीक्वेंस है, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा लॉजिकल सेंस तो बन रहा है। अब होता ही हुआ है कि यूजली जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो कोई ना कोई अटैचमेंट तो हो जाती है। वो अटैचमेंट ही थी, या फिर वो इन्फैचुएशन थी, या फिर वो लव था, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्या था वो तो भगवान जाने। बट जैसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चले, ऐसा लग रहा है कुछ तो था, बट आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था। कुछ तो जब वो बोलते हैं ना कि अगर कहीं थोड़ी बहुत आगे तभी धुआं उठता है, क्या तो पता नहीं भाई साहब क्या सच है और क्या झूठ है इस बॉलीवुड की नगरी के अंदर। बट जो कुछ कुछ फोटोज हैं जो वो कुछ और ही कहानी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग ही तरीके की होती है जब दो लोग क्लोज होते हैं, वो फ्रेंडशिप भी उसी दायरे के अंदर आती है। आपको क्या लगता है, कुछ था कि नहीं था, या आपको कुछ इसके बारे में पता है तो थोड़ा रोशनी डालिए, और या तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दीजिए इस कॉन्स्परेसी को, या फिर बोले कि हाँ कुछ ऐसा लगता है, जो भी आपको लगता है कमेंट करना, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है किसी की भी ज़िंदगी के बारे में जानना, जिससे आप लोग इतना प्यार करते हो, तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है ना, और इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं, जो लोग इतने इतने घंटे बिताते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ अभी भी लगाव होने की पॉसिबिलिटी तो होती है। बाय बाय।